चले प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट GKGS पर एक बार जोरदार स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी से रक्त, ब्लड को हम लोग आज देखेंगे। ब्लड का क्या रूप है, इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में, इसके कितने भाग होते हैं, कितना प्रतिशत जल है, रक्त कैसे बनता है, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ये कैसा पदार्थ है, टोटल इसके पॉइंट को हम लोग देखेंगे। आज आपका रक्त से ये पहला क्लास है, इसका लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो हम लोग इसे दो क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और इस क्लास को, इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी से लाभ ले सके। तो चलिए बच्चों, आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए रक्त टॉपिक को मैं बेहद आसान भाषा में समझाने वाला हूँ और साथ साथ आप इसे याद करते चलेंगे। जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको रिपीट भी करूंगा, आप उसको वहां से याद करते हुए चलिएगा, साथ साथ आप नोट्स भी बनाएंगे, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं ब्लड का, रक्त का, ठीक है ना, खूनी खेल हम लोग आज, जो रक्त का रंग कैसा होता है लाल, तो थोड़ा खूनी खेल हम लोग देख लें रक्त को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे रक्त लाल रंग का चिपचिपा सा, जानते हैं कि ब्लड हल्का क्या होता है, चिपचिपा होता है। अगर आपको कहीं कटा होगा, छीला होगा, तो हाथ में लगा होगा तो आप देखोगे हल्का चिपचिपा सा है। तो रक्त लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी, जो द्रव होता है पानी होता है उससे कुछ भारी, अपारदर्शी, हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। मतलब रक्त पूछेगा क्षारीय है कि अम्लीय, तो रक्त क्या होगा, क्षारीय बिलियन होगा। कैसा बिलियन है, क्षारीय है। रक्त लाल रंग का होगा, चिपचिपा होगा, जल से कुछ बाहरी होगा और अपारदर्शी होगा। इसको अगर कहेगा कि कौन निम्न में से बताइए रक्त के क्या हैं, तो पहला पॉइंट हो सकता है चिपचिपा, जल से भारी, अपारदर्शी और क्षारीय, तो सभी को आप टिक कर सकते हैं या कूट बनाकर दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा रक्त कैसा होगा, क्षारीय होगा, अपारदर्शी है, जल से कुछ भारी है, लाल रंग का है और चिपचिपा सा है। अगला पॉइंट में है रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। देखेंगे क्या है, प्राकृतिक कोलाइड मतलब गाढ़ा पदार्थ है, प्राकृतिक गाढ़ा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड का अर्थ होता है गाढ़ा, कैसा, गाढ़ा। अगला रक्त तरल संयोजी ऊतक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक होगा, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कहेगा रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, रक्त कैसा, तो तरल संयोजी ऊतक है। अब देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना, 7.4। अब कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, आपको अभी हम बताएं कि रक्त कैसा होगा, क्षारीय होगा, तो क्षारीय कहने का मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होगा, 7 से अगर नीचे होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और ठीक एक्यूरेट 7 होगा तो वह उदासीन होता है। लेकिन रक्त कैसा होगा, क्षारीय, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है, रक्त कैसा, क्षारीय बिलियन होगा, जिसका पीएच मान 7.4। अगर रक्त का पीएच मान आपको पता है तो समुद्री जल का और दूध का आप याद रख सकते हैं आसानी से, दूध के लिए एक पॉइंट कम कर दीजिए और समुद्र के लिए एक पॉइंट बढ़ा दीजिए। जैसे हमको पता है कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, दूध का पूछेगा तो 6.4 एक कम कर दीजिए और समुद्री जल का पूछेगा तो एक बढ़ा दीजिए 8.4। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4, दूध का 6.4 और ब्लड का कितना 7.4 होता है। अगला, शरीर में रक्त की मात्रा औसतन भार का लगभग 7% होता है। जो शरीर में रक्त का मात्रा होगा वो औसतन आपके भार का, शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, औसतन जो होगा ये 5 से 6 लीटर होगा। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, किसके अपेक्षा, पुरुषों के अपेक्षा, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त पूछेगा तो 5 से 6 लीटर होता है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो औसतन 5 से 6 लीटर होता है। अगला,
रक्त का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में होगा। कहेगा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, रक्त पलिहा या तिल्ली, ध्यान दीजिएगा, पलिहा या तिल्ली में जमा रहता है, अर्थात पलिहा को ब्लड बैंक कहा गया है। कहेगा ब्लड बैंक किसे कहा गया? पलिहा को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्यों रक्त जमा कहाँ रहेगा? पलिहा या तिल्ली में। रक्त का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। रक्त जमा कहाँ रहेगा? पलिहा में या तिल्ली में, पलिहा या तिल्ली। इसलिए ब्लड बैंक किसे कहेंगे? पलिहा या तिल्ली को क्या संज्ञा दिया गया है? ब्लड बैंक का संज्ञा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो समान स्तर होगा वो कितना होता है? 180 से 200 ग्राम होता है। और कहेगा रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो क्या हार्ट अटैक, हृदयाघात होने का संभावना ज्यादा होता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से क्या प्रभाव होगा? हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर पूछेगा तो 180 से 200 ग्राम के बीच में होता है। ये रक्त का कुछ बेसिक परिचय था। अब आपको दिया कि ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा रुधिराणु है, ठीक है। अगर ब्लड को हम लोग 100% मानते हैं तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 60, और रुधिराणु कितना प्रतिशत? 40%। प्लाज्मा अकेले कितना प्रतिशत है? 60%, और रुधिराणु तीन से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहेंगे, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रुधिराणु 40% तीन से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 60%। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 60%, और रुधिराणु कितना प्रतिशत? 40%। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्या होगा? तरल होगा। कहेगा प्लाज्मा कैसा तरल है? तो हल्के पीले रंग का तरल होता है। कौन? प्लाज्मा, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे, प्लाज्मा में 90% जल, जो प्लाज्मा 60% है उसमें पूछेगा जल कितना है। प्लाज्मा जब अपने आप में 100% बनेगा तो प्लाज्मा का 90% भाग जल होगा, और 10% कार्बनिक, अकार्बनिक तथा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछेगा कितना? 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कई बार एग्जाम में पूछा, ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? 90%। कार्बनिक की मात्रा और अकार्बनिक और प्रोटीन तीनों मिलाकर 10%, तीनों मिलाकर 10%। और प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? हल्का पीला रंग का, हल्का पीला रंग का तरल होगा, जिसमें जल का मात्रा 90% होता है। प्रोटीन, अब देखेंगे प्लाज्मा में जो प्रोटीन होगा वो 7% होगा। प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सा? कितना? 7% होगा। अब कौन कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन, ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन होता है, ठीक है। इतना प्रोटीन इसमें पाया जाता है, 1, 2, 3, 4 प्रकार का प्रोटीन, जो कुल 7% होता है। अब नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करेगा। आपसे कहेगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो वो होता है विटामिन के। लेकिन अगर प्रोटीन के बारे में बोलेगा तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथोम्बिन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता? मदद करता है। आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा। और प्रोटीन कितना प्रतिशत? 4, और 4 प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में होता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन होता है, याद रखेंगे इसे। अब हम लोग देखते हैं आगे, हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज प्लाज्मा में घुले होते हैं। हार्मोन्स और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या रहेगा? रोगों से लड़ने में काम करता है। तो हार्मोन्स और एंटीबॉडी प्लाज्मा में घुले रहते हैं। कहेगा प्लाज्मा में क्या घुले रहेंगे? तो हार्मोन्स और एंटीबॉडीज इसमें घुले रहेंगे। प्लाज्मा में कौन कौन गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा में O2, CO2 और N2 गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है प्लाज्मा में। कहेगा कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है।
पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होगा, तो प्लाज्मा के द्वारा। आपसे क्वेश्चन कर देगा पचा हुआ भोजन और हार्मोन का शरीर में जो संवहन होगा वो कौन करता है, तो वो प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। कहेगा प्लाज्मा में से, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन अगर प्रोटीन को निकाल लेंगे तो शेष प्लाज्मा को क्या नाम दिया गया? सेरम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेरम। क्या निकालेंगे? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कहां से निकालिएगा? प्लाज्मा से। तो शेष प्लाज्मा को क्या कहेंगे? सेरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरम। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। सेरम का रंग कैसा होगा? हल्के पीले रंग का। बीमारी की जो जांच है, बीमारियों का जो जांच है वो सेरम से किया जाता है। बीमारी का जांच किसे किया जाता है? सेरम से। सेरम हल्के पीले रंग का होता है और बीमारी की जांच किसे की जाती है? सेरम से की जाती है। तो ये संपूर्ण था प्लाज्मा से। प्लाज्मा से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, मेन कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजेन। जल कितना प्रतिशत? तो 90%। और प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे? सेरम। शेष को क्या कहेंगे? सेरम। अगला, पचा हुआ भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। प्लाज्मा में कौन कौन सा गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बच्चों याद रखेंगे। अब देखेंगे रुधिराणु तीन पार्ट में हम लोग बांटे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम लोग आज प्लेटलेट्स को पढ़ लेंगे, कल का क्लास हम लोग के लिए रहेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए, क्योंकि लंबा थोड़ा सा चला जाएगा। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम लोग छोड़ दिया, क्वेश्चन भी यहां से आपको मैक्सिमम रहते हैं। तो हम लोग आज प्लेटलेट्स को देख लेते हैं और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हम लोग कल के क्लास में इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त विमाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त विमाणु। एक इसका नाम और है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। पूछेगा कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होगा? तो अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहां होगा? पलिहा में। कहेगा प्लेटलेट्स का मृत्यु कहां होगा? पलिहा में। और निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता है। कहेगा प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है या नहीं? तो केंद्रक नहीं होगा। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होगा, याद नोट करके एकदम लिखिएगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु कहां? पलिहा में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होगा? 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला पॉइंट, यह केवल मनुष्य एवं अनस्तधारी के रक्त में पाया जाता है। प्लेटलेट्स कहां पाया जाएगा? यह केवल मनुष्य एवं अनस्तनधारी के रक्त में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्लेटलेट्स। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। प्लेटलेट्स का प्रति घन मीटर में, प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होगा। कहेगा प्लेटलेट्स का संख्या, प्लेटलेट्स का संख्या मनुष्य के शरीर में कितना होगा? तो प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है, मतलब ज्यादा, इसकी उपयोगिता काफी अधिक होनी चाहिए। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, डेंगू बीमारी में किसका कमी होने लगता है? तो प्लेटलेट्स का। ध्यान दीजिएगा, डेंगू मच्छर काटने से जो बीमारी होने लगता है, डेंगू फीवर होने लगता है, डेंगू ज्वर होने लगता है, उसमें प्लेटलेट्स का संख्या लगातार घटते जाता है, तो 80,000 से भी कम हो जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स देखेंगे, डेंगू से पीड़ित जो हो जाएंगे तो अगर रिकवर नहीं होते तो उनको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। तो प्लेटलेट्स में, ध्यान दीजिएगा, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स का जो संख्या हो जाएगा 80,000 से भी कम हो जाता है। किसका संख्या? 80,000 से भी कम हो जाता है। और ऐसे इसका संख्या 2 से 3 लाख होना चाहिए, 2 से 3 लाख होना चाहिए। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का, कहेगा कौन सा प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है? सॉरी, कौन सा? रुधिराणु। रुधिराणु का कौन सा पार्ट? ध्यान दीजिएगा, रुधिराणु का कौन सा पार्ट रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा? प्लेटलेट्स, या उसी को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगर प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजेन, और कौन सा? रुधिराणु, तो आप थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स बोलेंगे। अब विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में एकदम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से आपसे कह दें, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनेगा? तो विटामिन के से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कहेगा कौन प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों ऑप्शन कभी कभी रहता है या दोनों में से एक रहेगा। दोनों रहता तो ए बी करके आपको दे देगा, ज्यादातर फाइब्रिनोजेन आपको रहेगा। और कहेगा कौन सा रुधिराणु? तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है, या उसी को आप थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो आज हम लोग
रक्त में प्लाज्मा को देख लिए, प्लेटलेट्स को देख लिए, रक्त का कुछ बेसिक परिचय देख लिए, उसका पीएच मान क्या होता है, कैसा वो बिलियन है, क्षारीय अम्लीय है ना, इस तरीके के टर्म को हम लोग देखते हैं। रक्त जमा कहाँ रहता है, इसका निर्माण कहाँ होगा, इसको देखें। और कल हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को, जो कि कल के क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज के क्लास को हम यहीं तक विराम करते हैं और कल नए टॉपिक के साथ आपका मुलाकात करेंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथियों को भी शेयर करें। बच्चों वंदे मातरम।